Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 7th of Feb 2021, or if you need any thing in the PDF format for any competitive exams, go and contact Mr. Ali. It's 0305-104-5009. Aaj ke jo hamare paas don editorials hain, unme sabse pehle hai cotton crisis ke hawale se, uske baad vaccine awareness yani ye jo COVID-19 ke hawale se, aur teesra hamara Senate poll ka ek ordinance pass hua hai uske hawale se. Teesre din musalsal jo hai hamare paas is waqt chal raha hai wo yahi Senate ke hawale se hi hai. So this is the you can say it's a hot cake, so that's why isko daily basis pe discuss kiya jata hai. Sabse pehle agar cotton crisis ki baat kare to jaise aapko pata hai since 2018 crisis mein chal rahi hai sab kuch. Quietly and under the radar of government agar dekha jaye to jo crisis hai is cotton ke sector mein ye ab bilkul samne aaye hain, aur ye policy makers ke liye ek attention hai ke attention call hai ki aap ready ho jaye. Cotton ki jo fasal hai is saal jo plummeted ki gayi kafi uski reasons thi, aur expectation thi ki production hogi slightly more than 10 million bales is saal, lekin from the norm of 12 million bales hai, lekin abhi tak jo baat harvest ho chuki hai wo usse dekha gaya hai ki ji less than 6 million bales jo hai have come through. Iska matlab hai ki Pakistan's ke jo import hai cotton ke wo tezi se badh rahe, aur coming in above $1 billion in the first half of this ongoing fiscal year jo hai, up from the $543 million in the same period last year. Aur among stakeholders agar dekha jaye to expectations aisi lagti hai ki ye jo figure hai could climb to 3 billion by June, ye 3 billion tak badh sakta hai. ये तो था हमारे कॉटन क्राइसिस के हवाले से. वैक्सीनेशन की अगर बात करें, जो वैक्सीनेशन है इसकी कोविड-19 के, इसके हवाले से भी बड़ी बातें हैं जो अवेयरनेस एक ज़रूरी है. कहते हैं कि पाकिस्तान हैविंग बिगन इट्स फर्स्ट स्टेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, और एक बहुत बड़ा जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो वक्त की ज़रूरत है, जिसमें एफिकेसी और जो सेफ्टी है वैक्सीन की वो बड़ी क्रिटिकल है. इस अर्ली डेज़ में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कि चाइनीज़ सिनोफॉर्म वैक्सीन जो है वो 60+ लोगों के लिए सेफ़ है या नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अगर बात करें तो उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि वैक्सीनेन जो है इज़ नॉट बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड टू डॉक्टर्स अबव 60, क्योंकि जो सिनोफॉर्म है उसमें ट्रायल कैंडिडेट्स के लिए एज ब्रैकेट नहीं बताई गई. जबकि इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन जो है, गवर्नमेंट जो है उनको केयरफुल रखना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या है पब्लिक अवेयरनेस हवाले से, कि यहाँ पे क्या ड्राइव चलाई जाए. दुनिया भर में अगर देखें तो जो वैक्सीनम सेप्टिसिज्म है वो एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पे सामने आया है, और दिसंबर 2020 के सर्वे जो एक कंडक्ट किया गया था जिसमें डाटा गैदरिंग कंपनी आइप्सिस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने जाहिर किया कि कंट्री जो है उसमें जो मोस्ट सस्पिशियस कोविड-19 वैक्सीन है वो फ्रांस है, which has been a vaccine skeptical nation even before the coronavirus struck. Survey जो है जिसमें तकरीबन 13,500 लोग 15 countries में से लिए गए, उसने जाहिर किया कि सिर्फ 40% ऑफ अडल्ट जो हैं फ्रांस में intended to get the vaccine. Greatest number of people जो है जिनको inoculate किया जाना था वायरस में वो चाइना में देखे गए, जहाँ 80% agree हुए कि वैक्सीन जो है अगर अवेलेबल है तो उन्हें दी जाए. और सबसे जो मेन रीज़न है वैक्सीन रिफ्यूजल की, सर्वे ने जो जाहिर किया है कि उस डर है कि जी इसका कोई साइड इफेक्ट होगा, और इसके साथ साथ कुछ डाउट्स भी हैं एफिकेसी के हवाले से. कुछ रिस्पॉन्डेंट्स ने ये भी कहा कि they would refuse as they felt they were at risk of contracting of the virus. ठीक है कि उन्हें यह डर है कि वायरस कॉन्ट्रैक्ट करेगा. और कुछ लोअर परसेंटेज ने यह भी कहा कि दे आर अगेंस्ट वैक्सीन्स इन जनरल, कि जनरल तो आम तौर पे जो है वो वैक्सीनेशन के वैसे ही ख़िलाफ़ है. जो तीसरा हमारे पास मेन चीज़ है सेनेट पोल के हवाले से, जिसमें लास्ट मैंने बताया कि थर्सडे को बहुत बड़ा एक फ़ाइट भी हुई, उसके हवाले से कुछ और पेशरफ्त है उसको डिस्कस कर लेते हैं. प्रेसिडेंट हमारे आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस हैज़ इशूड एन ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस इशू किया है फॉर होल्डिंग द अपकमिंग सेनेट इलेक्शन, अपकमिंग जो आने वाले सेनेट इलेक्शन उनके हवाले से है कि ये जी थ्रू एन ओपन वोट होगा. और उन्होंने क्या किया जी, इलेक्शन एक्ट 2017 की अमेंडमेंट की है. प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है आने वाले सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, और अमेंडमेंट की है इलेक्शन एक्ट 2017 में कि अभी ओपनली होंगे. ऑर्डिनेंस कहता क्या है, ऑर्डिनेंस इज प्रोवाइडेड दैट इन केस द सुप्रीम कोर्ट गिव्स एन ओपिनियन, ये जो केस दिया गया सुप्रीम कोर्ट में जिसका ओपिनियन देता है, दैट इलेक्शंस फॉर मेंबर्स ऑफ सेनेट डो नॉट फॉल विद इन द पर्व्यू ऑफ आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो इलेक्शन मेंबर्स हैं सेनेट के वो उसमें नहीं, उस परव्यू में नहीं आते जो आर्टिकल 226 है कॉन्स्टिट्यूशन का.
द पॉल फॉर इलेक्शंस फॉर मेंबर्स ऑफ द सेनेट शेल बी कंडक्टेड, उनको करवा दिया जाना चाहिए ये जो पोल है इलेक्शंस का मेंबर ऑफ सेनेट के लिए, और कैसे करवाना चाहिए, ओपन और आइडेंटिफाइबल बैलेट, यानी वाजिया और ऐसे बैलेट के तौर पे कि पता चले किसने किसको वोट डाला है। चले जी, द गवर्नमेंट टुक द डिसीजन टू इशू एन ऑर्डिनेंस आफ्टर द अपोजिशन ब्लॉक द बिल टेबल इन द नेशनल असेंबली टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चेंज द एग्जिस्टिंग मोड ऑफ सीक्रेट बैलेटिंग इन द इलेक्शन फॉर द अपर हाउस। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, इसलिए लिया टू इशू जारी करने के लिए एक ऑर्डिनेंस, तब जब अपोजिशन ने ब्लॉक कर दिया एक बिल को जिन्होंने जमा करवाया नेशनल असेंबली में, जिसमें बिल में ये कहा गया था कि वो अमेंड करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और तब्दीली चाहते हैं, ये जो पुराना मोड चला आ रहा है जिसमें हम सीक्रेट बैलेटिंग करते हैं इलेक्शन में अपर हाउस के तौर पे। गवर्नमेंट ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि जब इन्होंने एक बिल नेशनल असेंबली में जमा करवाया जिसमें इन्होंने कहा कि हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो हमारा पुराना तरीका है जिसमें सीक्रेट बैलेटिंग होती है अपर हाउस में, उसको हम ओपनली करना चाहते हैं, तो जब ये बिल जमा करवाया गया, बिल जो है अपोजिशन इसको ब्लॉक किया, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। Legal experts will have to determine if the change in the sect would suffice for open balloting to take place or whether a constitutional amendment will actually be needed for the purpose. जो लीगल एक्सपर्ट हैं उन्हें डिटरमाइन करना होगा कि अगर ये जो चेंज है इस एक्ट में ये वाकई है कुछ करेगी ओपन बैलेटिंग के हवाले से, टू टेक प्लेस को काम करने के हवाले से, और वेदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल एक्चुअली बी नीडेड फॉर द पर्पस, के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो दरअसल इस मकसद के लिए ज़रूरी होगी। अब लीगल एक्सपर्ट्स, इसमें कहा जा रहा है कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्हें देखना होगा कि इस किस्म की चेंज जो है वो वाकई ही ओपन बैलेटिंग के हवाले से कोई फ़र्क लाएगी, या हमें चाहिए होगा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो की जाए जो इस पर्पज़ के हवाले से हेल्पफुल हो। Linked to all those is larger question about why the government has been insistent on bulldozing through such a change in the mode of voting for elections that are just weeks away. इन सारी बातों से जो चीज़ें लिंक करती हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों गवर्नमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा इंसिस्टेंट है कि बुलडोज करे इस तरह के चेंज को, इस तरह की तब्दीली ज़बरदस्ती लाए, और उस मोड में कि जो अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं थोड़े वीक्स दूर हैं। यानी देखा जाए तो इन लिंक्स के साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि गवर्नमेंट आखिरकार इतनी संजीदा क्यों है कि सारी चीज़ें जो है ख़त्म करके वो चंद हफ्तों दूर जो इलेक्शंस हैं उनमें एक बड़ी तब्दीली चाहती है। There is no arguing that the menace of vote purchasing in the Senate elections must be done away with. इसमें किसी किस्म की कोई बहस व मुबाहसा वाली बात ही नहीं है कि जो थ्रेट है वोट परचेजिंग के हवाले से सेनेट इलेक्शंस में, उसको अब डन अवे किया जाना चाहिए, उससे निपटा जाना चाहिए, उसका खात्मा किया जाना चाहिए। The government has framed its initiative in a way that suggests that the only reason the opposition is not agreeing to such a change in the voting method at this time is because it wants corruption to flourish in these elections. गवर्नमेंट ने क्या फॉर्म किया जी, अपने इनिशिएटिव को ये लेके फॉर्म किया है इन इस तरीके से, जो ये जाहिर करता है कि सिर्फ और सिर्फ वजह अपोजिशन की कि वो क्यों इस बात के ऊपर एग्री नहीं कर रहे इस तरह की चेंज के ऊपर वोट मेथड की, जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो करप्शन चाहती है, और वो चाहती है कि करप्शन जो है वो ज़्यादा बढ़े इन आने वाले इलेक्शन में। हमेशा की तरह गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है, जो इनिशिएटिव लिया है, वो ये सजेस्ट करता है कि वो कहते हैं कि जी अपोजिशन सिर्फ एक ही रीज़न है जिसकी वजह से वो हमारा ये बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आने वाले वोट्स में जो है वो चीट कर सके और उसके साथ साथ करप्शन जो है वो फ्लोरिश कर सके। सच अ लाइन ऑफ रीजनिंग में टेक सेंस टू द पीटीआई बेस बट इट एक्सक्लूड्स द लार्जेस्ट अग्रीमेंट। इस तरह की जो रीजनिंग है ना, जो शायद ये पीटीआई को तो सेंस करती हो, लेकिन ये जो मेन आर्ग्यूमेंट है उससे हट कर है, उससे अलग है। यानी ये बातें पीटीआई की लाइन को तो सूट करती है, लेकिन जो असल आर्ग्यूमेंट है ये बातें उसको एक्सक्लूड करती हैं। Any constitutional amendment aimed at fixing existing problem in the system or improving processes that in turn strengthen democracy must be discussed and debated at length with the aim of reaching a consensus. किसी किस्म का जी constitutional amendment जो है, जिसका मकसद हो कि उसका जी पुराने वाले जो problems हैं उनको solve करना है system के अंदर, या processes को improve करना है, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है डेमोक्रेसी को मजबूत करना हो, उनको सबसे पहले डिस्कस किया जाना चाहिए और उसके बाद डिबेट किया जाना चाहिए एट लेंथ, दूर रह के, विद एम ऑफ रीचिंग कंसेंसस, कि आप किसी न किसी तरह किसी इत्तेफाक की राय पर पहुंच जाए। वो कहता है कि जी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसका मकसद पुराने प्रॉब्लम जो सिस्टम के अंदर है उनको ठीक करना है, या प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है जो हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करे
उनको सबसे पहले तो आपको एट लेंथ होके यानी एक फासले के ऊपर होके आपको प्रॉपर बैठ के जो है डिस्कस करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, और आप सबको किसी एक एक एम के ऊपर जो है आपका कंसेंसस हो जाना चाहिए, यानी आपके इत्तफाक राय हो जाना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ डन नो सच थिंग, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इंस्टेड इसके बजाय इट हैज़ पेंटेड द इशू एंड पैट्रिसन कलर, ये जो पैट्रिसन कलर है ना, इसका मतलब है कि इन्होंने इस मसले को जो है ना सियासी रंग दे दिया, विद ऑब्वियस एम, जिसका मकसद बड़ा वाजिया है, ऑफ डिस्क्रेडिटिंग द अपोजिशन, कि आप अपोजिशन को डिस्क्रेडिट करें, आप उनको जो है कहें कि जी वो गलती पे है। इधर दिस और द गवर्नमेंट इज कंसर्न दैट इट मे लूज सम ऑफ इट्स ओन मेंबर्स, इसमें शायद गवर्नमेंट इसलिए भी कंसर्न है कि शायद इसके कुछ अपने मेंबर्स भी चले जाएंगे वोट्स इन द सीक्रेट बैलेट फॉर द इलेक्शन सेनेट इलेक्शन, क्योंकि अगर वो सीक्रेट बैलेटिंग पे जाते हैं तो गवर्नमेंट को इस वक्त ये खतरा है कि उनके अपने मेंबर्स भी चले जाएंगे। दोनों जो रीजन्स हैं, बोथ रीजन्स फॉल फॉर शॉर्ट ऑफ द मोर मॉरल हाई ग्राउंड दैट द गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू गेन ऑन दिस इशू, ये जो दोनों रीजंस हैं ना, ये बहुत पीछे हैं, बहुत कम है उस मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर, उस इखलाकी ग्राउंड के ऊपर जिसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस इशू के हवाले से वो हासिल कर लेगी, यानी जो इखलाकी इकदार गवर्नमेंट हासिल करना चाह रही है इन दोनों मसाइल में, तो वो बहुत पीछे है, उनको हासिल करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। अ बेटर वे वुड बी टू मेक दिस चेंज पार्ट ऑफ अ लार्जर सेट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दैट आर इन एनी केस ओवरड्यू एंड रिक्वायर्ड, जो इसका बेहतरीन तरीका है वो ये होना चाहिए कि इस चेंज को एक लार्ज सेट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बनाया जाए दैट आर इन एनी केस ओवर, जो किसी भी केस में ओवर ड्यू है और ज़रूरी भी है। अच्छा, इसमें वो ये कहता है कि बेटर तरीका ये है कि आप एक बड़ा सेट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बनाए जो किसी भी तरह से इस केस में ओवरड्यू भी है और इसकी ज़रूरत भी है। इट इज़ हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन अग्रीड टू स्टार्ट प्रोसेसिंग सच रिफॉर्म्स वर्क इन द हाउस कमेटीज़ विद द इंटेंशन ऑफ ड्राफ्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव बिल दैट फिक्सेस ऑल वीकनेसेस इन द इलेक्टोरल सिस्टम, ये बड़ा सही वक्त है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है अग्री हो जाए कि ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करें इस तरह के रिफॉर्म के कामों में हाउस कमेटीज़ के अंदर, और जिनका इंटेंशन ये होनी चाहिए कि वो एक ड्राफ्ट करेंगे कम्प्रिहेंसिव किस्म का बिल जो सारी की सारी जो वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं इलेक्ट्रॉल सिस्टम में, उसको ख़त्म कर देगा। कहना ये चाहता है कि ये सही वक्त है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है इस बात पे अग्री हो जाए कि वो प्रोसेस करना चाहते हैं किसी भी अच्छे काम के हवाले से हाउस कमेटी के अंदर, और उनका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कम्प्रीहेंसिव किस्म का बिल पास करना होना चाहिए, ड्राफ्ट करना होना चाहिए जो इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर मौजूद खामियों को या कमियों को या कमजोरियों को ख़त्म करे। ऑल स्टेक होल्डर्स शुड बी टेक ऑन बोर्ड, सारे के सारे जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनको अपने साथ मिलाना चाहिए, ऑन बोर्ड लेना चाहिए, एंड बिल पास थ्रू कंसेंसस सो दैट एवरीवन टेक्स ओनरशिप ऑफ इट एंड इंश्योर्स दैट इट्स इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। ये लेटर एंड स्पिरिट जो है ना, इसका मतलब है कि दिलो जमी के साथ कोई चीज़ जो हुई है। कहना चाहता है कि जी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिलाना चाहिए, और जो बिल है इत्तफाक राय से जो है वो पास होना चाहिए ताकि हर कोई जो है उसकी ओनरशिप को ले और इस बात की यकीन दहानी चाहिए करे कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ी दिलजमी के साथ हुई है अगले जनरल इलेक्शंस के लिए। बाय मेकिंग इट अ पोलिटिकल डिस्प्यूट, इसको सियासी झगड़ा बना के द गवर्नमेंट इज़ नीडलेसली कम्प्लिकेटिंग एन इशू, बिला ज़रूरत जो है गवर्नमेंट एक मसले को और ज़्यादा ख़राब कर रही है, दैट रिक्वायर्स अटमोस्ट सीरियसनेस ऑफ पर्पज़, जिसे इस वक्त जो है इंतहाई संजीदगी के साथ डील करने की ज़रूरत है। इट शुड रिकन्सिडर इट्स पोजिशन, गवर्नमेंट के हवाले से ना इसको अपनी पोजिशन के ऊपर थोड़ा सा दोबारा सोच लेना ज़्यादा बेहतर है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज डॉन एडिटोरियल्स, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इट वॉज ऑफ टूडे, लाइक फ्राइडे सैटरडे एंड संडे वॉज ऑफ, सो दैट्स वाई आई अपलोडेड 3 आर्टिकल्स। फ्रॉम मंडे इंशाल्लाह कल से मैं 2 बजे के बाद अपलोड कर पाऊँगा, लाइक ऑलमोस्ट 4 o'clock तक आ जाया करेगा एडिटोरियल, बट आई विल ट्राई टू मेक इट ऑन डेली बेसिस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, and please keep asking questions, keep suggesting something, and very soon inshallah I'm uploading a video in which I'm going to start an online session for everyone who is in need to learn English for comparative exams. Assalamu alaikum, Allah Hafiz.